कार्तिक माह की पूर्णिमा के अवसर पर धार्मिक नगरी उज्जैन में आज शिप्रा नदी के तट पर आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का मेला लगा हुआ है। यहां सुबह 3 बजे से हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का स्नान आरंभ हो चुका है। मान्यता है कि आज पवित्र नदियों में स्नान पूजन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि मोक्षदायिनी शिप्रा नदी में कार्तिक माह की पूर्णिमा पर स्नान करने मात्र से सब पापों एवं दुखों से मुक्ति मिल जाती है। कार्तिक माह की पूर्णिमा पर स्नान दान का पुण्य कमाने के लिए देर रात से ही शिप्रा नदी के किनारे स्थानिक एवं दूर दराज से हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। आज प्रातः 3 बजे से शिप्रा नदी में स्नान प्रारंभ हुआ, जो कि रात तक चलेगा। कार्तिक मास की पूर्णिमा के अवसर पर देश भर के हजारों श्रद्धालु शहर पहुँचे और शिप्रा नदी में स्नान पूजन दान कर पुण्य का लाभ अर्जित किया। पुलिस और प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूर्व से कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसका परिणाम यह रहा कि घाटों पर गंदगी, भिखारियों के साथ चोरों की गैंग के बीच लोगों को घाट पर स्नान करना पड़ा, जबकि एक दर्जन से अधिक लोगों को चोरों ने शिकार बनाते हुए कपड़े और बैग चोरी कर लिए, जिसमें हजारों रुपए और कीमती सामान रखे थे। देव दीपावली की मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है। पंडित आनंद गुरु लोटावाला ने बताया कि देवताओं के सेनापति कार्तिक स्वामी ने आज ही के दिन ताड़कासुर का वध किया और असुरों के आतंक से मुक्ति दिलाई थी, इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली भी कहा जाता है। कार्तिक मास में पूरे माह स्नान करने वाली महिलाओं द्वारा नदी सरोवरों में स्नान करने के बाद व्रत पूर्ण किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा पर शिप्रा नदी में स्नान पूजन और दान करने से कई यज्ञों का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। जिला बहुत अच्छा जिला है, यहाँ महाकाल की नगरी है, यहाँ से दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। मुझे भी यहाँ करीब 42 वर्ष हो गए, मैं प्रत्येक पूर्णिमा को यहाँ आता हूँ स्नान करने के लिए। कहाँ से आते हैं? मैं थाना कायथा से आता हूँ, पुलिस विभाग में हूँ, थाना कायथा से आता हूँ। यहाँ पर दीपदान किया जाता है और सिद्धनाथ घाट पे भी दीपदान होता है, यहाँ राम घाट पे भी दीपदान होता है। अन्य क्षेत्र से भी लोग बाग आके दीपदान करके अपने श्रद्धा से करते हैं और अपने मन्नतें पूरी करते हैं।